हेलो दोस्तों, आप सभी का अकाउंटिंग बाइट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि हम अपने वाईफाई के सिग्नल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी जो कम नेटवर्क कवरेज करने वाली प्रॉब्लम है उसको कैसे सही कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको अपने वाईफाई की प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर आपको जो डिस्क्रिप्शन में वाईफाई ड्राइवर दिख रहा है उसका नेम पता करना है। ये पता करने के बाद आपको दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है और फिर मैनेज, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर खुलने के बाद आप देखेंगे एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको नेटवर्क ड्राइवर्स, नेटवर्क अडैप्टर्स की लिस्ट को एक्सटेंड करना है और यहाँ पर वो पर्टिकुलर ड्राइवर दिखेगा आपको वाईफाई का। यहाँ पे आपको उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पे आप एडवांस्ड ऑप्शन में आएंगे, लिस्ट में सबसे नीचे ट्रांसमिट मोड या ट्रांसमिट पावर करके एक ऑप्शन आता है, आपको उसमें जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप इसकी वैल्यू को हाईएस्ट सेट करेंगे। मे बी हो सकता है आपके लैपटॉप में लो या मीडियम हाई हो, आपको यहाँ पे नंबर 5 पे जो हाईएस्ट है उसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। डिसाइड करेगा कि कितनी स्ट्रेंथ के साथ आप सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो और रिसीव कर रहे हो। ओके, एक प्रॉपर्टी आपको और चेक करनी है फ्रेंड्स, इसी पर राइट क्लिक करेंगे दोबारा से, पावर मैनेजमेंट में चलेंगे। यहाँ पर जो लेट द कंप्यूटर टर्न ऑफ द डिवाइस है वो अनटिक करना है हमें। ओके करके आपको अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है और फिर आप फर्क महसूस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग काउंटिंग बाइट्स।